मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर खान ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो आज मैं आया हूं फूड कैपिटल रेस्टोरेंट, जो कि सेवन वंडर्स के बिल्कुल सामने है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और हम आज यहां का फूड ट्राई करेंगे। मैंने सुना है कि सिंगल रूफ के नीचे 3 रेस्टोरेंट्स यहाँ पे रनिंग में हैं अभी, और बाकी तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ, और मैं दिखाता हूँ आज आपको फूड कैपिटल कैफ़े का जो खाना है वो कैसा है, कितना टेस्टी है। और यहाँ के इंटीरियर के बारे में बहुत सुना है, क्योंकि इसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैंने एंट्री ले ली है फूड कैपिटल रेस्टोरेंट में, और सबसे पहले मैं आपको विजिट करवाता हूँ कि यहाँ का फर्स्ट पोर्शन, जो कि टॉपिक QSR के नाम से है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है। चलिए चलते हैं टॉपिक QSR में। तो अभी बारिश हो रही है बाहर, मौसम काफ़ी सुहाना है, बहुत अच्छा ठंडा मौसम है, कूल एकदम वेदर है, और मैं अभी टॉपिक QSR पोर्शन में आ चुका हूँ। तो जो व्यू है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से बैठकर जो व्यू दिखता है सेवन वंडर्स का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार व्यू है। तो हम लोग आ चुके हैं फूड कैपिटल के पोर्शन में, जिसका नाम है टॉपिक। तो गार्लिक ब्रेड जो मैंने ऑर्डर किया था वो अभी आ चुका है, तो मैं आपको एक सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ गार्लिक ब्रेड का, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत है, और टेस्ट तो ऑब्वियसली मैं टेस्ट करने के बाद, खाने के बाद बताऊँगा आपको। तो एंजॉय करो ये सिनेमैटिक शॉट। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड का जो टेस्ट है बताता हूँ आपको कैसा है। गार्लिक ब्रेड का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, कुछ चीज़ी से फ्लेवर है इसमें, और गार्लिक की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और टेस्ट अमेजिंग। और साथ में रखा हुआ है छोला भटूरा, क्योंकि यहाँ का छोला भटूरा बड़ा फेमस है, और इसीलिए हमने ऑर्डर कर दिया। तो अभी टाइम है छोला भटूरा टेस्ट करने का, और मैं छोला भटूरा टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत अच्छा टेस्ट है छोला भटूरा का। भटूरा जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आप फूड कैपिटल आ रहे हैं और स्ट्रीट फूड अगर आप जो है खाना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए। व्यू एंजॉय करते हुए अपना फूड जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ के नेक्स्ट पोर्शन में, ऊपर की तरफ एक क्रो कैफे है, चेक करते हैं क्रो कैफे जो है वो कैसा है। फूड कैपिटल में मैं आपको ले जा रहा हूँ कैफे की तरफ, जो कि सेकंड फ्लोर पे है। चलिए चलते हैं क्रो कैफे। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये जो कैफे है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सिटी, और यहाँ की जो लाइटिंग है वो बहुत ही शानदार लाइटिंग है। ये स्विंग मशीन सीटिंग है, तो जो घर में हमारे स्विंग मशीन होती है उस तरह की यहाँ टेबल को डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ बैठकर आप जो है अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप बैठे बैठे बोर हो रहे तो स्विंग मशीन को स्विंग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यहाँ की लाइटिंग भी अमेजिंग है। और आगे की बात करें तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर गार्डन सीटिंग एरिया है, गार्डन सीटिंग एरिया भी बहुत खूबसूरत है। और अगर बात करें यहाँ के व्यू की, तो व्यू बहुत ही अमेजिंग है। गार्डन सीटिंग एरिया से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, लेट मी शो यू दिस अमेजिंग व्यू। तो कहने को ये एक फोटोजेनिक प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ का जो इंटीरियर है वो बहुत ही प्यारा है। यहाँ मिल्क कैन सेटिंग अरेंजमेंट है, जो काफ़ी फंकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है।
और ऐसी को जो है कलर स्कीम के साथ कॉम्बिनेशन बिठाया गया है। सोफा सेटिंग अरेंजमेंट भी है। ये बार चेयर सेटिंग अरेंजमेंट है। लाइटिंग जो है वो बहुत खूबसूरत है। तो फाइनली कोल्ड कॉफ़ी जो है वो आ चुकी है और मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कॉफ़ी कैसी है। वैसे मैंने सुना है कि फूड कैपिटल की जो कोल्ड कॉफ़ी है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ का। पहले टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कि कोल्ड कॉफ़ी जो है उसका टेस्ट कैसा है। गाइज मज़ा आ गया। आई विल रिकमेंड यू प्लीज़ ट्राई वंस दिस कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी जो है यहाँ की वो बहुत ही अमेजिंग है। मज़ा आ गया। फूड कैपिटल आइए और कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय कीजिए। कोल्ड कॉफ़ी फिनिश करने के बाद हम जाएंगे अपना फूड एंजॉय करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं हमारी कोल्ड कॉफ़ी की प्रिपरेशन। मैं आपको कॉफ़ी की लाइव प्रिपरेशन दिखाता हूँ, कोल्ड कॉफ़ी को किस तरह से तैयार किया गया है। तो चलिए चलते हैं। अभी हम आ गए हैं यहाँ के किचन में और जो डिशेस मैंने ऑर्डर की हैं अब हम देखेंगे उनकी लाइव प्रिपरेशंस। तो एंजॉय कीजिए फूड्स की लाइव प्रिपरेशंस। So let me test it and I will tell you the taste of this dish.
एंड इट्स टोटली अमेजिंग. तो देखते हैं टेस्ट जो है इसका वो कैसा है. सो गाइस, टाकोज इज यम्मी, सो यम्मी, इट्स वेरी टेस्टी एंड लिटिल बिट स्पाइसी. अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप टाकोज जरूर ट्राई कर सकते हैं. टाकोज जो है वो मैक्सिकन डिश है. जनरली क्या है, गर्ल्स जो है ना वो चटपटा खाना पसंद करती हैं, तो अगर आपको कुछ ऐसी चटपटी डिश ट्राई करनी है तो टाकोज ऑर्डर कर दीजिए. आई एम श्योर यू विल लाइक इट. अल्फ्रेडो पास्ता जो कि आ चुका है और मैं आपको दिखा देता हूँ पास्ता जो है वो दिखने में कैसा है. टेस्ट तो मैं टेस्ट करके ही बताऊँगा. तो ये रहा हमारा अल्फ्रेडो पास्ता. सो लेट मी टेस्ट इट. पास्ता बहुत ही टेस्टी है. वाइट वाला अल्फ्रेडो पास्ता अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो फूड कैपिटल ज़रूर आइएगा. और ये जो पास्ता तैयार किया है वो हमारे शेफ सुमन ने तैयार किया है. मैं शेफ से मिलवा देता हूँ आपको. हाय सर, हेलो. तो ये है हमारे यहाँ फूड कैपिटल के चीफ शेफ. पास्ता जो है वो बहुत ही टेस्टी है सर. थैंक यू. ऐसा पास्ता मैंने जितने भी कोटा के रेस्टोरेंट हैं वहाँ तक अभी तक मैंने ऐसा पास्ता टेस्ट नहीं किया कहीं भी. थैंक यू. इसका टेस्ट अमेजिंग है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप यहाँ आते हैं तो अल्फ्रेडो पास्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. So guys, it's time to having lunch and I will enjoy my food. So चलते हैं और lunch करते हैं. तो अभी हम लोगों ने food order कर दिया है और वेज दीवानी हांडी यहाँ की जो है वो बहुत ही मतलब demandable dish है. बहुत demand की जाती है उस dish की Indian food में. तो अभी चलो enjoy करते हैं वेज दीवानी हांडी और मैं आपको दिखाता हूँ वेज दीवानी हांडी जो है वो दिखने में कैसी है. तो चलिए चलते हैं. तो हमारा जो food है चुका है और अब मैं जा रहा हूँ फूड टेस्ट करने. तो बताता हूँ आपको जो टेस्ट है फूड का वो कैसा है. तो फाइनली लंच हम लोगों ने फिनिश कर लिया और फूड जो है बहुत टेस्टी था. मतलब मेरे को मज़ा आ गया यहाँ पर खाने में. और महेश्वरी ग्रुप का जो फूड है वो तो स्पेशली मतलब टेस्ट के लिए बड़ा जाना जाता है.
तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आप बहुत ही टेस्टी फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बारी ज़रूर विजिट कीजिएगा फूड कैपिटल रेस्टोरेंट, दैट्स इट। तो अभी मैं यहाँ के एक और सेक्शन में जा रहा हूँ जिसका नाम थाली हाउस। तो चलिए दिखाता हूँ आपको थाली हाउस सेक्शन जो है वो कैसा है अंदर से। तो अभी मैं आ चुका हूँ थाली हाउस सेक्शन में और यहाँ का एम्बियंस जो है वो बहुत ही शानदार है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ के इंटीरियर को, लाइटिंग को और यहाँ के एनवायरनमेंट को। तो मैं आपको यहाँ के एक इंटीरियर की एक सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। उसके बाद वापस ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो अलग वे है ऊपर जाने के लिए, टॉप पर पहुंचने के लिए। चलिए चलते हैं। यहां से आपको पूरा जो कैस्टी है और सेवन विंडर से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया व्यू हम लोग यहां से देख सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं रूफ टॉप पर और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अमेजिंग है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पीछे बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है। आप जब भी अगर सैड फील करते हैं या आप बोर हो रहे हैं तो आप यहाँ आके बैठ सकते हैं, यहाँ का जो व्यू है वो एंजॉय कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत ही, मौसम आज वैसे ही बहुत सुहाना हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ आकर। तो दिखाता हूँ आपको एक यहाँ का व्यू। आज की वीडियो को मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। सो एज ऑलवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ एंड लिव योर ड्रीम्स।